मैसेज किया है, एक मिनट अभी आया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। जो लोग एक टाइट बजट के बट जो लोग अपनी सेविंग्स के थ्रू यहाँ पे आए हैं, एक टाइट बजट के अंदर आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अगर आप लोग जापान के अंदर नहीं आए तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। ओके, सो मैं इस वीडियो को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। तीन पार्ट में से होगा, पहला होगा खाना फूड, सेकंड होगा अकोमोडेशन, उसके लास्ट होगा ट्रैवल। ट्रैवल मतलब सबसे पहले हमारे मन में जो चीज़ आती है वो है खाना। भूखे पेट ट्रैवल करना नॉट अ गुड आइडिया। क्या क्या ऑप्शन है आप पे खाने के लिए, ये मैं आप लोगों के साथ को शेयर करूंगा। जापान के अंदर बेंतो बहुत चलते हैं, मतलब जो लंच बॉक्स होते हैं ना, कि लोगों के पास टाइम नहीं खाना बनाने का, तो लोग भी बाहर से खाते हैं, विच इज़ अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, कि आप लोगों को रेडीमेड खाना बाहर से मिल जाएगा सुपरमार्केट के थ्रू, आपको हर बार रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, मच्छी चाहिए, चिकन चाहिए, ब्ला 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 थिंग चाहिए, लेके खरीद के जाओ। तो इस चीज़ के अंदर ट्रिक ये है, जैसे रेडीमेड आइटम, स्पेशली रेडीमेड आइटम जो होते हैं उनकी जो लाइफ टाइम होता है ना वो काफ़ी शॉर्ट होता है, तो उसका जो लाइफ टाइम से पहले उनको वो बेचना ही होता है। किसी भी सुपरमार्केट में रात को जाओ, सो फॉर एग्जांपल शो स्टोर बंद हो रहा है 10 बजे, तो 7 बजे के बाद, 7-8 यस मेरा मतलब बंद होने से 2-3 घंटे पहले वो उस लंच बॉक्स पे सील लगाना स्टार्ट करते थे। जैसे 10 बजे वो खाना 500 का डिब्बा था वो लंच बॉक्स, तो 7 बजे सील लगा के उसको बना दिया जाएगा 450 का, 8 बजे उसको बना दिया जाएगा 400 का, 8:30 बजे उसको बना दिया जाएगा 350 का। बेंतो गाइस मैं भी खाता हूँ, काफ़ी टेस्टी है, तो अगर आप रात के टाइम पर जाएंगे तो आपको प्रॉब्ली 90% ये है कि आपको डिस्काउंटेड चीज़ें वहाँ पर पड़ी मिलेगी। कुछ ऐसे जैपनीज भी देखेंगे आपको जब आप जाएंगे सुपरमार्केट रात को, जो आधे घंटे से घूमे जा रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि साला ये प्रोडक्ट मैंने चूज़ कर रखा है, ये प्रोडक्ट जब से 200 से नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं खरीदूंगा नहीं। और उसको पता है कि 1-2 घंटा या 1.5 घंटा या फिर आधा घंटा जितना भी है वेट करने के बाद उस पर सील लग जाएगी, उस पर 50% डिस्काउंट हो जाएगा, मैं तब लूँगा उसको। तो जिसके हाथ लगा चीज़ जो पहले वो जीता। दूसरा ऑप्शन है मैकडॉनल्ड, कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आप खरीद सकते हो मैकडी के अंदर। जैसे आप जाओगे तो उसमें काफ़ी चीपेस्ट बर्गर, सबसे चीपेस्ट बर्गर है वो है 100 येन का था, बट अब जैसे टैक्स बढ़ा तब वो हो गया 110 येन का। उसका नाम है चिकन क्रिस्पी, काफ़ी उमदा बर्गर है गाइस, काफ़ी लोग खाते हैं। मैंने तो भाई 1-2 साल मेरे घर वालों ने वही खिलाया जब मैं जापान आया, मेरे पे जॉब वॉब नहीं थी। उसको आप 2 खाइए, 2 में आराम से आपका पेट भर जाएगा। सुकिया जाएंगे, सुकिया के अंदर आपको 450-350 डिपेंड करता है कि कौन सा साइज ले रहे हैं, कितने क्वांटिटी का ले रहे हैं। इसमें लिखा आता है कि इस साइज में इतनी परसेंट इतनी कैलरीज है, आप अपनी कैलरीज चूज करके उस चीज़ को ले सकते हैं। अगली मैं बात करने वाला हूँ ट्रैवल की। अब गाइस देखो, अगर आप जब जापान ट्रैवल कर रहे हो तो आपने कम से कम 2-3 शहर ट्रैवल करने का तो बनाया होगा ही, एंड अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं गाइस, बजट की टेंशन है, टाइम की टेंशन है, क्या बात कर रहे हो यार, क्या पता अब अगली बार कब आओ, पक्का जाओ यार, घूमो जापान आए हो तो एक बार। सो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके अंदर आप अपने कम से कम, मतलब ये जो मैंने 3 कैटेगरीज डिवाइड करी, इन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा आपका इस चीज़ में बचेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे गाइस, तो ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले तो चीज़ है हम पे शिंकानसन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन काफ़ी महंगी है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव ऑप्शन दैट यू हैव। सो मैं आपको बुलेट ट्रेन रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपको बजट टाइट है। बुलेट ट्रेन के अंदर कुछ खास है नहीं गाइस, स्नैक्स लेके जैसे आपके पास आते हैं नहीं आते हैं ना ट्रेनों में स्नैक लेके, यहाँ पे कुछ चखना उठना खाना है, कुछ चिप्स विप्स ये तो बताइए। बाकी आप बाहर देखो कि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही होती है एंड वो काफ़ी टाइम टनल के अंदर रहती है, तो आपको बाहर का कुछ दिखेगा नहीं और ट्रेन में कुछ फील नहीं, बस आप बैठे हुए हो, बस आपको इतना हो जाएगा कि हाँ मैं बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ गया एंड दैट्स इट। बट अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करूँगा अगर आप पे पैसा है, बट अगर नहीं है तो कुछ ऐसा खास नहीं बुलेट ट्रेन के अंदर। बुलेट ट्रेन से थोड़ा सस्ता ऑप्शन आता है यहाँ पे JR, एंड वो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। बट जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है बस सर्विस। अभी जो बसों का नेटवर्क है ना, ये ऑल अराउंड जापान है, मतलब हर जापान के कोने में ये बसें जाती है। नेट पे कंपनी सर्च कीजिए कौन सी बस है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा आपको कि ये पिक्चर्स है बस की, ऐसी सीटें होंगी, ये प्राइजेस होगा और ये इतने टाइम में पहुँचेगी, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। अपने रेट के हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगता है लीजिए। अगर आप इंडिया में बसों के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं तो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा बेटर एंड क्लीन ये बसें होती है, ट्रस्ट मी। एंड काफ़ी सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, काफ़ी चीप ऑप्शन है। मैं जब लास्ट टाइम क्योतो से टोक्यो गए थे 13,000 लग रहे थे शिंकानसन से वहाँ पे, और 2-3-4 घंटे का रास्ता था कुछ, बट मैं शिंकानसन छोड़ के मैं गया बस के अंदर, जहाँ पर मुझे लगे हार्डली 2-3 हज़ार लगे, मतलब जहाँ मैं 13,000 में पहुँच रहा हूँ मैं 2,000 में पहुँच गया। एंड सिर्फ यहाँ यहाँ मेरे पैसे नहीं बचे, बस के अंदर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पूरी छुट्टी आपको बसों के अंदर नहीं बितानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप बस के अंदर ट्रैवल करो तो टेक द नाइट बस, रात की बस पकड़िए, इसमें आपका पैसा ही बचेगा, टाइम भी बचेगा। वो कैसे, आप रात के 10 बजे बैठे,
आराम से सो गए, 7-8 घंटे की नींद आपको बस में लेनी है, सीटें कंफर्टेबल है, पैर रखने का स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सुबह उठे टोक्यो में, क्या हुआ आपका होटल का रात भर रुकने का किराया बच गया गाइस, आपका टाइम भी आपको बचा, हर चीज़ बची, हर चीज़ की बचावट, मतलब आपने 14,000 तो यहीं बचा लिए एक रात के अंदर। तो इज़न्ट इट अमेजिंग थिंग ड्यूड, इन 14,000 के अंदर आप क्या कुछ खरीद के अपने घर वालों को ये नहीं ले जा सकते। हालांकि लोगों को बस ये एक शिंकांसन का चस्का होता है, बट गाइस ट्रस्ट मी, आप एक बार YouTube के अंदर वीडियो देखिए, ऐसी काफ़ी YouTube के अंदर वीडियो है जो लोग शिंकांसन के अंदर जा चुके हैं, अंदर ना पूरा दिखाया गया, आपको लगता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव है, चाहिए एक बार ट्रैवल कीजिए, बट आई रिकमेंड यू गाइस टू टेक द बस ऑप्शन विच विल कंसीडर टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस इफ यू आर ट्रैवलिंग टू जापान। अब एकोमोडेशन का नाम सुनिए गाइस, आपके मन में आता हो कि मैं आपको कैप्सूल होटल रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कैप्सूल होटल के बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं, कैप्सूल होटल इज जस्ट लाइक ए कैप्सूल, सोने सोने की जगह है, मतलब एक बंक बेड टाइप है थोड़ा फैंसी में, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, आप जा सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है तो ट्राई कर सकते हैं, बट इससे भी चीप ऑप्शन आप पे है वो है गेस्ट हाउस या फिर शेयर हाउस, क्योंकि आप सोने के लिए जा रहे हैं, अपने पूरा दिन होटल के अंदर तो बिताना नहीं है ना, आप शेयर हाउस या फिर गेस्ट हाउस के अंदर जा सकते हैं आराम से, अगर आप टोक्यो ट्रैवल कर रहे हैं और ओसाका ट्रैवल कर रहे हैं तो गाइस वहाँ पे बतेरे शेयर हाउस एंड गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। गेस्ट हाउस काफ़ी चीप में, जब लास्ट टाइम टोक्यो गया था तो मैंने गेस्ट हाउस लिया था, मेरे को $20 का कुछ पड़ा था वो दो दिन के लिए, मतलब 2,500 येन में मेरा दो दिन का आराम से वहाँ पे स्टेइंग हो गई थी। सोने सोने के लिए आपको ऑफकोर्स आपको अलग अलग बेड्स दिए जाएंगे, बट आपका टॉयलेट एक होगा, दो भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गेस्ट हाउस है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा गेस्ट हाउस है। बाथरूम है वहाँ पे, बाथरूम मेरे वाले में 2-3 थे, बाथरूम के साथ आपका आपकी लॉबी एक होती है, लॉबी मतलब जहाँ पे आप आराम से बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है यार, क्या करना है अपना एक अलग रूम लेके, ट्रैवलिंग करने के लिए आओ, होटल घूमने के लिए तो नहीं आए ना, ट्रैवलिंग करने के लिए तो आपको पूरे दिन बाहर ट्रैवल करोगे, देन रात को थके आ रहे घर पे आओगे, यू गॉट योर बेड योर लॉबी टू चिल, 7-8 हज़ार एक दिन के आप पे कर रहे हो, और इस बंक बेड में आप दो दिन के 2,000 पे करोगे, एक दिन के 1,000 मान के चलो, 1,500 मान के चलो, तब भी काफ़ी पैसा बचाते रहे हो अभी जगह पर। जापान के अंदर आए हो तो गाइज आपको एक्सप्लोर करो, काफ़ी मस्त मस्त आइटम है यहाँ पे, ओकोनोमिया की सुशी ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जापनीज जो आपको खानी चाहिए, डेफिनेटली खाइए, बट थोड़ा यहाँ से पैसे बचाइए और फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट जाइए, फैमिली के साथ खाइए, इस पैसों को बचा के अपने दोस्तों भाइयों के लिए, फैमिली के लिए अच्छे कपड़े ले जाइए, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाइए, जापान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी चीप है, सो आई एम गोना रिकमेंड यू गाइस टू गेट सम गैजेट्स फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर योरसेल्फ व्हेन यू विल गो बैक टू इंडिया। स्पेशली होटल की चीज़ों का मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश में गूगल के अंदर टाइप करते हैं देन यू सर्च अबाउट द होटल्स नियर बाई यू, देन वॉट गोन हैपन, लाइक आप पे ऑब्वियसली रिजल्ट तो आएंगे, थोड़े एक्सपेंसिव रिजल्ट आएंगे, बट अगर आपको जैपनीज आती है तो गाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जैपनीज सर्च इंजन यूज़ कीजिए, उसके अंदर जैपनीज के अंदर टाइप कीजिए एंड देन सर्च कीजिए, आपको काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा गाइज, उसके अंदर आपको और ज़्यादा होटल मिलेंगे जो आपको इंग्लिश में सर्च करके नहीं मिले थे। सो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, आप लोग जापान आ रहे हैं, आई होप यू गोना हैव अ नाइस टाइम इन जापान, एंड आपको जापान की किसी भी चीज़ को लेकर कोई वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उस चीज़ पर वीडियो आगे बनाऊंगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चलता हूँ।